बॉलीवुड की शादियां यूं तो हमेशा ही चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के साथ एक स्पेशल एक्ट जो है स्पेशल मैरिज एक्ट एक बार फिर काफी चर्चा में आ गया है। तो क्या है ये स्पेशल मैरिज एक्ट जिसके जरिए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हुई, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, इस कानून के जरिए कौन कौन शादी कर सकता है और शादी के बाद पति और पत्नी को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, जानते हैं इस स्पेशल एक्ट से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस एक्सप्लेन्ड वीडियो में। हेलो, मैं हूँ नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ईयर 1954 में बना ये कानून उन लोगों को सुरक्षा देता है जो किसी दूसरे धर्म या दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करते हैं, यानी ऐसे केसेस जहां लोग अपने धर्म के बाहर किसी से शादी करना चाहते हैं, ऐसे में विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ही नहीं, इससे पहले भी कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है, जैसे कि साल 2012 में करीना कपूर और सैफ अली खान ने इस एक्ट के तहत शादी की, फिर साल 2015 में सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने भी इसी एक्ट के तहत शादी की, और साल 2023 में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फहाद अहमद से इसी मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, कौन लोग इस कानून के जरिए शादी कर सकते हैं और इस एक्ट के तहत शादी करने के बाद पति पत्नी को क्या अधिकार मिलते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत अलग अलग धर्म, अलग अलग देश या ऐसे लोग जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, इस एक्ट के जरिए शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट इस तरह की शादियों को मान्यता देता है और साथ ही शादी करने वाले लोगों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट अलग अलग धर्म या जाति के लोगों के बीच हुई शादी को कानूनी मान्यता यानी लीगलाइज करता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए दो अलग अलग रिलीजन के लोग बिना अपना रिलीजन चेंज किए शादी कर सकते हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम या किसी और तरीके से शादी करने की जरूरत नहीं होती। चलिए अब जानते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। नंबर एक, स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए शादी करने के लिए दोनों लोगों की एज कानून के अनुसार होनी चाहिए, यानी लड़की की मिनिमम एज 18 साल और लड़के की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। नंबर दो, इस कानून के तहत शादी कर रहे दोनों लोगों की मेंटल स्टेट सही होनी चाहिए। नंबर तीन, शादी के समय दोनों लोगों का अनमैरिड या डिवोर्स्ड होना जरूरी है, दोनों का पहले से कोई और जीवन साथी नहीं होना चाहिए। और नंबर चार, यदि कोई कपल इस एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं तो शादी से 30 दिन पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के मैरिज ऑफिसर के पास जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इससे ही शादी को कानूनी मान्यता मिलती है और यही शादी का सबूत भी होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस एक्ट के तहत शादी होती कैसे है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी मैरिज ऑफिसर के सामने होती है। मैरिज ऑफिसर आमतौर पर एक सब रजिस्ट्रार होता है। इसके साथ ही शादी के समय तीन विटनेसेस का मौजूद होना भी जरूरी होता है और इस दौरान किसी भी धर्म के अनुसार कोई भी रीति रिवाज नहीं किए जाते हैं और इन सभी फॉर्मेलिटीज के कम्प्लीट होने के बाद मैरिज ऑफिसर उस कपल को मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के तहत शादी करने पर पति और पत्नी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। बाकी शादियों की तरह ही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी पति पत्नी को बराबर के अधिकार मिलते हैं, दोनों को बराबर कानूनी सुरक्षा और संपत्ति में भी दोनों बराबर के हिस्सेदार ही होते हैं। अब बात करते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की इस स्पेशल एक्ट शादी की। जब सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की खबरें सामने आई तो इनके रिलीजन को लेकर भी काफी बातें होने लगी। ऐसी भी खबरें सामने आई कि शत्रुघ्न सिन्हा इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है और वो इस शादी के खिलाफ है, और लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि क्या सोनाक्षी सिन्हा अपना धर्म बदलेंगी। तो ऐसे में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने बीच का रास्ता चुन लिया और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली, जिसके बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि सोनाक्षी सिन्हा अपना धर्म नहीं बदलेंगी। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से जुड़ी इस जानकारी को लेकर अभी इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।